दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो विज्ञान के सामान्य परिचय के बारे में, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे आप लोग को हेडिंग दिख गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको दे सकूं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग को जानना है कि विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं साइंस। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, साइंस कहते हैं। और ये साइंस शब्द आया कहां से, तो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है आपका साइंटिया। क्या है आपका, साइंटिया। और इसी साइंटिया से आपका क्या आया है, साइंस आया है। और इस साइंटिया का मतलब क्या होता है, टू नो। क्या होता है, टू नो, यानी कि किसी भी चीज के बारे में जानना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। अब मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में पंखा है। अब वो पंखा कैसे कैसे बना है, किस किस चीज से मिलकर बना है, कौन कौन सा मटेरियल यूज किया गया है कि नहीं, किस सिद्धांत पे काम करता है, इन सबके लिए जो है किसकी जरूरत होती है, तो विज्ञान की जरूरत होती है। तो याद रखिएगा, विज्ञान जो है साइंस इंग्लिश हिंदी में, सॉरी विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। और साइंस जो है किसका शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द जो साइंटिया है इससे है। और इसका मतलब क्या होता है, टू नो, यानी कि जानना, किसी भी चीज के बारे में जानना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान की शाखाओं के बारे में, कि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं और उसकी कौन कौन से जनक है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं विज्ञान की शाखाओं के बारे में, विज्ञान में कौन कौन सी शाखाएं होती हैं और उसके कौन कौन से जनक होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं, केवल इस वीडियो में हम लोग उतना ही करेंगे, वैसे तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आके देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला है भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, न्यूटन। देखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछे भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन होंगे ना, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन जो है भौतिक विज्ञान के क्या है, जनक है। अगर यही आधुनिक भौतिकी की बात करें, आधुनिक भौतिकी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो आधुनिक भौतिकी में हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आधुनिक भौतिकी की बात करें कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, तो आधुनिक भौतिकी के जनक है आइंस्टीन, जिनको अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो क्या है, आधुनिक भौतिकी के जनक है। अगला है रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान के आपके जनक है लैवासी है, और लैवासी का पूरा नाम क्या है, अंटोनी लैवासी, कई जगह एंटोनी लैवासी दिया होगा, कई जगह अंटोनी लैवासी दिया गया होगा। तो रसायन विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, एंटोनी लैवासी को कहते हैं। और वही जीव विज्ञान का जनक सब लोग जानते हैं, जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, अरस्तु को। जो नहीं जानते हैं तो भाई वीडियो को देखिए तब आप जानेंगे, अगर नहीं समझेंगे, ये सब चीजें सब एक एक नंबर दिलाने वाली है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, और वही एक एक नंबर दिलाने का प्रयास जो है हमारा यूट्यूब चैनल कर रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इसके साथ साथ आने वाले टाइम में आपको करंट अफेयर हर चीज पूरा मिलेगा, और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चूंकि अभी हमारा चैनल अभी नया नया है, तो आप लोगों को ग्रोथ कराने का काम आप लोग के जिम्मे है, कि ज्यादा से ज्यादा आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं, अगर हम लोग बात करते हैं कि खगोल विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है कॉपरनिकस को। कॉपरनिकस को खगोल विज्ञान का जनक कहते हैं। वही भूगर्भ विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो जेम्स हटन को। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं, भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन, आधुनिक भौतिकी का आइंस्टीन, रसायन विज्ञान का लैवासिए, जीव विज्ञान का अरस्तु, खगोल विज्ञान का कॉपरनिकस, और भूगर्भ विज्ञान का जेम्स हटन। ठीक है, थैंक यू।